हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सप्लाई ऑनलाइन क्लासेस। और मैं आज आपके लिए बात करने वाला हूं महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली है उसके लिए। अब आज हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, कई सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या चीज हमें करना पड़ेगी। काफी सारी चीजें ऐसी है उसमें जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, तो मैं आज वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसीजर बताऊंगा कि एग्जाम फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। दूसरी चीज, एग्जाम का पैटर्न क्या है उसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना है उसके बारे में बात करेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जो बच्चे बीएससी एजी कर चुके हैं या एमएससी भी कर चुके हैं वो सब इलिजिबल है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्टेज के अंदर है, मैं स्पेशली बात करूंगा एग्रीकल्चर वालों के लिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की। और बेस्ट चीज यहां पे क्या है कि आपको प्री नहीं देना है, सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, प्री नहीं देना है। तो सबके बारे में बात करेंगे वन बाय वन, आइए शुरू करते। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एफओ की कुल कितनी 100 वैकेंसीज यहां पे निकाली है, कितनी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल वन स्पेशलिस्ट ऑफिसर है स्केल वन 100 वैकेंसी। और 100 वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ आपको एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। कैसे आपको फिल करना है एग्जाम फॉर्म उसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, और ऑनलाइन कोर्सेस के बारे में भी आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं यहां पे आपके साथ शेयर करूंगा एग्जाम पैटर्न, है ना, कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो एग्जाम का पैटर्न क्या है, पहली चीज सिर्फ और सिर्फ टोटल यहां पे पोस्टें कितनी है, टोटल पोस्टें हैं 100। आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस मतलब आपको सिर्फ क्या पूछा जाएगा, ओनली एग्रीकल्चर, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है। मींस प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपका उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर मतलब कंप्लीट एग्रीकल्चर ही आएगा। यहां पे आपको प्री नहीं देना है। प्री मतलब बोल सकते हैं कि आपको यहां पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इसकी तैयारी नहीं करना है, मतलब सिर्फ एक ही पेपर होगा वो भी एग्रीकल्चर का। तो जिन बच्चों को मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश से काफी डर लगता है और एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है स्पेशली उनको मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश थोड़ी सी दिक्कत आती ही है, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दूसरा केस सर ये सब चीजें नहीं आएगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन तो चाहे मैथ्स रीजनिंग आए या ना आए, कंपटीशन तो डे बाय डे बढ़ ही रहा है, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आप जो है प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो कंटिन्यूअसली तैयारी करता रहेगा सिलेक्शन उसी का होगा। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आ गई अब तैयारी शुरू करूं या फॉर्म भर दिया अब तैयारी शुरू करूं या, ठीक है, इस तरीके से नहीं होता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस को अलग रखना पड़ेगा, तभी सक्सेस की तरफ बढ़ पाओगे। क्लियर है? अब यहां पे एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब आपका एक ही पेपर होना है। ठीक है, आपका एक ही पेपर होना है। पेपर क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे उसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50। ठीक है, और जो ये 50 क्वेश्चन होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। तो आपके टोटल मार्क्स कितने, 100 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। क्लियर है? यह है एग्जाम का पैटर्न। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 50। एफओ में 60 क्वेश्चन आते हैं यहां पे, मतलब आईबीपीएस एफओ की जो बात कर रहा हूं, जनरली बच्चे जिसकी तैयारी करते हैं, तो यहां पे आपको 50 क्वेश्चन। दूसरी चीज, नो नेगेटिव मार्किंग। एक और एडवांटेज है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि आईबीपीएस एफओ में नेगेटिव मार्किंग होती है, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है? पहली चीज। फिर यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके सेमिस्टर वाइज 60% होना चाहिए और जो आपकी फाइनल डिग्री है वो भी 60% से उबाव होना चाहिए, मतलब आपके हर सेमिस्टर में 60% होना चाहिए और ओवरऑल भी 60% से ज्यादा होना चाहिए, वही इलिजिबल है। ठीक है, एज उसमें 20-30 दिया है उसमें, ना 30 एज दी है स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए, 30 एज दी है, तो उसमें रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट उनके लिए रिलैक्सेशन भी है 3-5 ईयर्स का, तो वो दे कैन ऑल्सो अप्लाई। तो सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर आने वाला है। अब सिलेबस की बात करें तो देखो सिलेबस कोई उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है नोटिफिकेशन में कि सिलेबस क्या रहने वाला, जैसे आईबीपीएस नहीं नोटिफाई करता है वैसे इसने भी नोटिफाई नहीं किया है। तो मान के चलिए कि जो आपका आईबीपीएस एफओ का सिलेबस है वही सिलेबस आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ का होगा। क्लियर है? जो आईबीपीएस एफओ का सिलेबस है सेम सिलेबस, मतलब आपको एग्रोनॉमी पढ़ना है, जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है, सोयल साइंस पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, फिशरी पढ़ना है, फॉरेस्ट्री पढ़ना है, स्वाइन हस्बेंड्री पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है, क्रॉप फिजियो पढ़ना है, एक्सटेंशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, नाबार्ड नाम पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा जो आप आईबीपीएस एफओ में पढ़ते हो। इसलिए मैं सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया नहीं है। इसलिए एग्रीकल्चर में जितनी सारी चीजें हैं, जितनी स्कीम्स हैं, सब कुछ अपने को पढ़ना है, सारा करेंगे।
ठीक है, पैटर्न हो गया, पेपर हो गया, सिलेबस हो गया, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम हमें कैसे तैयारी करना है। तैयारी करने से पहले मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेस, ओबियसली बात है कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, आपकी कुछ चीजें बता रहा हूँ, तो प्रमोशन भी मेरा ही करूंगा, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता देता हूँ जो हमने लॉन्च किया है स्पेशली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफ ऑनलाइन कोर्स हमने लॉन्च किया है। इसके अंदर आपको 250+ PDF, मतलब अभी 165 ऑलरेडी क्या है, एडेड है। 165 PDF ऑलरेडी एडेड है, मतलब 70-80% कोर्स ऑलरेडी कवर है। 200+ वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। अभी 84+ वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, एडेड है, ठीक है। प्रोग्रेसिव कोर्स है, मतलब हम आपको टाइमली यहाँ पे ऐड करके देंगे। 45 टेस्ट हम आपको देंगे, इसमें आपको हम 25+ आपको देंगे सब्जेक्टिव एंड 20 देंगे हम फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, FLT फुल लेंथ टेस्ट देंगे। इसमें से अभी 17 टेस्ट ऑलरेडी आपके कोर्स के अंदर हमने ऐड करके रखे हैं, 17 टेस्ट, ठीक है। स्पेशल फीचर्स क्या है, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ आप उन नोट्स को अपने लेवल पर प्रिंट भी करवा सकते हैं और लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। ये बेस्ट फीचर है, ठीक है। कोई भी नोट्स नहीं देगा आपको कि भाई नोट्स ले लो, प्रिंट करवा लो। ऐसे ही कोर्स के साथ हम आपको दे रहे हैं नोट्स, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं और लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं, क्लियर है। कोर्स की प्राइस हमने 699 रखी हुई है। अब आप ही सोचिए, 699 में, मतलब 700 रुपीज में आपको नोट्स डाउनलोड भी मिल रहे हैं, प्रिंट भी करवा सकते हो, सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये 699 है, बट अभी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये 40% ऑफ रखा है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट जो रहेंगे, जो पहले 50 स्टूडेंट इस कोर्स को ले लेंगे, उसको सिर्फ मात्र 400 रुपीज में ये कोर्स मिल जाएगा। कितना? सिर्फ 400 में, 399 में ये आपको ये कोर्स अवेलेबल है। अभी सिर्फ 40% ऑफ मिलेगा फर्स्ट 50 स्टूडेंट के, जो पहले 50 स्टूडेंट ले लेंगे उनको सिर्फ 400 रुपीज में। तो 400 रुपीज में आपको नोट्स डाउनलोड ऑप्शन भी मिल रहा है, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे दे सकते हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है, सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे फॉर्म को फिल करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, ओके, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको विंडो देखने को मिलेगी जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मैंने, वहां से आप देख लीजिए। क्लिक करोगे तो इस तरह का विंडो आपको मिलेगा, मतलब यहां पे आपको दिखेगी कि डेट कब से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट कब है। तो 19 जो है लास्ट डेट है, 19 सितंबर, और 1 सितंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, क्लियर। अब यहां पे जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वो यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, अपना फॉर्म पासवर्ड डाल के, ये सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करेंगे तो वो अपना फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है, स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को फॉर्म अप्लाई करना है वो क्या करेंगे, यहां इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जिन बच्चों को फॉर्म अप्लाई करना है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, वो कहां क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके, ठीक है, यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे कहां आ जाएंगे, ये वाली विंडो पे आ जाएंगे। यहां पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू चेक करना है, अपलोड करना है और पेमेंट। ये 6 स्टेज है इस फॉर्म की, 1 by 1 6 स्टेज पे आपको पहुंचना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको क्या फिल करना है, फर्स्ट नेम, आपका पहला नाम, जो भी आपका नाम है, ठीक है। मान लो जैसे यहां XYZ मैंने लिखा, ये आपका नाम हो गया XYZ, ठीक है, जिसका भी नाम है, मैं XYZ कुछ भी ले लेता हूं, ठीक है। ये मैंने प्रतीक लिखा, आप चाहे तो पूरा बोल्ड भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट नेम हो गया। कंफर्म करना है तो एक बार फिर से आप लिखोगे, ठीक है। फिर मिडिल नेम है, अगर है आपका तो यहां पे मिडिल नेम लिखिए, अदरवाइज नहीं है तो यहां पे स्टार तो बना हुआ नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। मतलब आपको क्या करना है, 10th की जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नेम लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये इंफॉर्मेशन भरना है, याद रखना, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका कि नेम ऑफ इंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी एग्जैक्टली विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम। मतलब कि जो एट द टाइम ऑफ आप एग्जाम देने जाओगे, जो डॉक्यूमेंट आप वहां पे दिखाओगे, उसमें जो नाम है वही नाम आपको यहां फिल करना है, क्लियर है। ये चीज यहां पे हमेशा प्रॉब्लम्स आती है, यहां पे भी इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 10th की मार्कशीट में नाम सिर्फ नाम है, जैसे प्रतीक, ठीक है, लेकिन आपका जो आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ के अंदर आपका नाम मान लो प्रतीक कुमार है, क्या है, प्रतीक कुमार है, ठीक है। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि आप फॉर्म
किस नाम से भरे। तो आप जो है नाम प्रतीक कुमार, आपकी जो आईडी है, जो आप आईडी लेके जाओगे एग्जाम देने, वो आईडी वाला नाम यहाँ पे भरेंगे। इसका फायदा क्या है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो कोई आपको रोकेगा नहीं नाम को लेके। अगर आपने इस नाम से भर दिया और आपकी आईडी में प्रतीक कुमार लिखा हुआ है, फॉर्म आपने प्रतीक के नाम से भरा हुआ है, तो जब वहां एट द टाइम ऑफ आप जाओगे तो वहां पे आपका एडमिट कार्ड देखेंगे, आपका आईडी प्रूफ देखेंगे, नाम अलग अलग दिखेगा, तो आपको भारी रोक देंगे, एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। उसका भी सोल्यूशन है, अगर आपने प्रतीक नाम से फॉर्म भर दिया, आपकी आईडी में प्रतीक कुमार है, तो आप क्या ले लो, एक एफिडेविट, ठीक है, आपको क्या बनना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। आप जो है कोर्ट में जाके एक एफिडेविट बनवा लेना कि भाई मेरा मार्कशीट में नाम प्रतीक है और मैंने जो फॉर्म भरा है उसमें प्रतीक कुमार है, मतलब मेरे आईडी में प्रतीक कुमार नाम है, तो आपको रोकेंगे नहीं, एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। पर बेटर है कि जो आपकी आईडी आप ले जाओगे, आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसी नाम से एग्जाम फॉर्म भरो, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब भी आपको एफिडेविट लगेगा, क्योंकि आपकी मार्कशीट में नाम प्रतीक है, आईडी में प्रतीक कुमार है। तो इस तरीके की सिचुएशन है तो आप एफिडेविट बनवा लेना, हमेशा काम आएगा वो कि सर मेरा जो नाम इस तरीके से है मार्कशीट में, आईडी में इस तरीके से है, आपका एक एफिडेविट बन जाएगा कोर्ट से। क्लियर है, फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, देन उसी को कंफर्म करना है, देन लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम, तो आपका यहां फुल नेम लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे प्रतीक कुमार ये हमने लिखा, ठीक है, ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। मोबाइल नंबर एक्स वाई जेड, जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, कंफर्म करना है, फिर मोबाइल नंबर एक्स वाई जेड आप यहाँ लिख दीजिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपका एक और कोई मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। बेसिक इंफॉर्मेशन है, सभी लोग जानते हैं इतना। नाम को लेके मैंने बताया, नाम को लेके काफी दिक्कतें आती हैं, मैंने खुद ने फेस की है, ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना, ठीक है। सर्टिफिकेट में कुछ और नाम होता है, मतलब सरनेम नहीं होता, किसी में सरनेम होता है, आईडी प्रूफ में कुछ अलग होता है, तो वहां पे हमेशा एफिडेविट काम आता है, एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करना है, और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद ईमेल आईडी कंफर्मेशन मांगेगा, उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालना है, जो कोड यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो कोड यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे तो आप आगे आ जाओगे, ठीक है। ये जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे तो इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, वो बोलेगा कि आपने जो डाटा एंटर किया है वो चाहो तो अभी आप चेंज कर सकते हो, और जैसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, क्लियर है। तो ये विंडो पे आप यहां पे ओके करोगे, ओके करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन जो भरी हुई है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, जैसे यहां पे ओके करोगे, ओके करने के बाद आप कहां जाओगे, नेक्स्ट वाले पे, फोटो एंड सिग्नेचर पे। बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो गई, बस आपका नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बस मांगी है उसमें, सेकेंड फोटो एंड साइन। तो यहां पे चूज पे आप क्लिक करोगे तो आपका जहां पे फोल्डर में या जहां पे आपका फोटो पड़ा है वो फोटो आपको यहां पे आ जाएगा, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। फोटो की साइज आप देख लेना, ये यहां पे लिखा हुआ है क्या होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर फोटोग्राफ, ठीक है, दी हुई है, ये साइज होनी चाहिए, मतलब ये उसकी साइज होनी चाहिए, मतलब लगभग 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, 20 से 50 केबी में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे गाइडलाइन वाले पर क्लिक करोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे फोटो और साइन के, ठीक है। यहाँ पे साइन आप जो भी आपका साइन किया हुआ है वहां पे, यहाँ पे चूज फाइल में जाके उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर लीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये वही मैं बता रहा हूं कि जैसे आप फोटो करोगे ना तो इस तरीके से फोटो और साइन आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर क्लियरली आपको दिख रहा है वो विंडो भी देगा कि भाई आपको फोटो क्लियर दिख रहा है, ओके कर दीजिए, साइन क्लियर दिख रहा है, ओके कर दीजिए, तो इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो थर्ड ऑप्शन डिटेल आ जाएगी, डिटेल मतलब पोस्ट से रिगार्डिंग डिटेल, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से विंडो आ जाएगी ओपन होके। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, और कोई पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कैटेगरी। कैटेगरी में मान लो आप किसी पे भी टिक करो, मान लो ईएसआई ईडब्ल्यूएस पे गए या ओबीसी पे गए, तो पहले एक विंडो ओपन होती है, ये वाली ये विंडो ओपन होती है। ये विंडो क्या बोलती है कि आपने जो ओबीसी ये जो करेक्ट किया है वो करेक्ट है या नहीं है, बस इतना मांगता है, बस इसको आपको कुछ नहीं करना, ओके कर दीजिए, तो आप यहाँ पे आपका जो है जैसे ओबीसी है तो ओबीसी पे टिक हुआ आ जाएगा, एससी है तो एससी पे, जनरल है तो जनरल पे, क्लियर है, टिक ऑटोमेटिक हो जाएगा जब ये ओके करने के बाद। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि यहां पे क्या पूछा है इन्होंने, सब कॉस्ट पूछा है कि सब कैटेगरी क्या है हमारी, सब कास्ट क्या है। तो यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, जो कॉस्ट सर्टिफिकेट में हमारी जो कॉस्ट मेंशन है, ठीक है, जो हमारा कॉस्ट सर्टिफिकेट बना हुआ रहता है उसमें हमारी कास्ट मेंशन होती है, वही कास्ट हमें यहां भरनी है। जैसे मैं बात करूं, मेरा नाम तो चेतन पटेल है, लेकिन मेरा जो कॉस्ट सर्टिफिकेट है उसमें मेरी कॉस्ट क्या लिखी हुई है, धाकड़। तो जो मेरी कॉस्ट धाकड़ लिखी हुई है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, धाकड़ लिखूंगा, ठीक है। मेरा जो कॉस्ट सर्टिफिकेट में जो लिखी हुई है वही लिखूंगा, भले मेरी मार्कशीट में मेरा नाम चेतन पटेल है, क्योंकि नाम
अलग मैटर है, बट जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट में जो मेरी कॉस्ट लिखी हुई है, ढाका लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे ढाका मेंशन करूंगा। तो ये भरने से पहले, सब कास्ट फिल करने से पहले अपना एक बार कास्ट सर्टिफिकेट देख लेना, कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर आपका जो कास्ट है वो क्या लिखी हुई है, जो कास्ट लिखी हुई है वही आपकी सब कॉस्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। यही प्रॉब्लम आती है, रिजल्ट के लिए तो कोई इश्यू रहेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर डिसेबिलिटी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। नो कर दोगे तो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिसलेक्ट हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, उनको आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैटेगरी हो गया। अब वही बोला है कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, है ना। आपको किसी प्रकार की विकलांगता या कुछ है ना डिसेबिलिटी है, किसी को कम मतलब सुनने में प्रॉब्लम है या हाथ पाँव में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे ओके कर सकते हैं, उनको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। नहीं है तो नो कर दीजिए, सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। जब आप नो करोगे तो आपको ये कुछ ही नहीं फिल करना है, ये भी कुछ भी नहीं फिल करना, सीधे आप कहाँ आ जाओगे, बिलोंग टू रिलीजन। तो भाई जो बिलोंग टू बिलोंग, हिंदू है हिंदू डाले, जो यहाँ पे आप करोगे तो पॉपअप आ जाएगा नीचे, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप क्लिक कर दीजिए। फिर अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यस कीजिए, माइनॉरिटी में नहीं आते हैं तो नो कर दीजिए, ठीक है। अब अगर आप सर्विस में थे पहले से, आप किसी सर्विस में या इंक्लूडिंग एनजीओ या एसएससीओ में काम करते हैं तो यस कीजिए, नहीं करते तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कितने महीने आपने काम किया वो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपने कहीं और काम किया है या काम कर रहे हो तो बाकी डिटेल भी देना पड़ेगी। फिर नेशनलिटी, आप इंडियन है, ठीक है। स्टेट कौन सा है आपका, अगर मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश डालिए, भोपाल दिल्ली मतलब आपका जो भी है यूपी, ठीक है। उसके बाद सेंटर, सेंटर तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलेगा, सेंटर की कोई चॉइस नहीं दी गई है आपको, आपको सेंटर चूज नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट का एक ही सेंटर आपको मिल जाएगा, क्लियर है। जैसे एमपी के अंदर भोपाल एक सेंटर है, कैपिटल ही सेंटर है, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे सेंटर आपको भोपाल ही मिलेगा, और कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, सिंगल ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर आपको, फिर आपको यहाँ पे अगर आपके कोई ट्विंस ब्रदर सिस्टर है तो बहुत रेयर केस में, तो इसको नो कर देना। फिर आप मेरिड है अनमेरिड है वो डिटेल डाल देना, फादर्स नेम मदर्स नेम ये सब सर्टिफिकेट में देख के डालना कि सर्टिफिकेट में क्या नाम है मदर और फादर के, स्पेलिंग भी अच्छे से चेक करना। फिर आपको एड्रेस भरना है, एड्रेस में कोई इशू नहीं है। फिर आपका जो सेम एड्रेस कर देना यहीं पे, एड्रेस में जैसा आपको ठीक लगे, जैसा कन्वीनियंट रखे, आप जहां रह रहे हो उसका एड्रेस डाल सकते हो, और अपने घर का एक परमानेंट एड्रेस डालना पड़ता है, तो बेटर है कि आप परमानेंट एड्रेस ही डाल दीजिए दोनों में। फिर यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पूछते हैं, तो यह जीएसटी वाला एड्रेस, मतलब कि वो एड्रेस जहां पर आप जो पेमेंट करोगे उस पेमेंट की रिसिप्ट आएगी, इनवॉइस आएगा, है ना। तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस डाल दीजिए, कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब जो जो बिल है वो किस पे आएगा, आपकी मेल आईडी पे, जो आपने पेमेंट करोगे इसका फॉर्म का, तो वो पेमेंट की जो रिसिप्ट है आपकी मेल पे आ जाएगी, ठीक है वो, क्लियर। अब यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल, जैसे वैलिडेट आप डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ, वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसको ओके कर देना। ओके करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना, सेव एंड नेक्स्ट पे हमारी फोर्थ, अभी तो हम डिटेल पे ही चल रहे हैं, क्या आ जाएगा हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है, क्वालिफिकेशन मतलब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, ड्यूरेशन कोर्स, ये सब मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। डेट ऑफ पासिंग, डेट ऑफ पासिंग मतलब डेट ऑफ पासिंग में क्या डालोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, आपकी जो मार्क्सिट या जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपकी पीडीसी डिग्री जो आपकी फाइनल है उसमें आप देखोगे ना, तो ये आपकी पीडीसी डिग्री है तो वहां पे डेट लिखी हुई होती है, डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ पासिंग, डेट ऑफ पासिंग लिखी हुई है, तो वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है कि किस डेट में आपकी जो फाइनल डिग्री जो है इशू हुई थी वो डेट आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा, और यहाँ पे आप ग्रेड फर्स्ट डिविजन है तो फर्स्ट, यहाँ पे प्रोपोप आएगा निकल के, फर्स्ट क्लास आएगा, सेकेंड क्लास आ जाएगा और पास क्लास आएगा, फर्स्ट तो फर्स्ट डाल दिए, सेकेंड तो सेकेंड, और सिर्फ पास हुए आप मतलब 60% से भी कम आपके मार्क्स है तो सिर्फ पास पे क्लिक कीजिए। तो मेन तो आपका ये ग्रेजुएशन वाला ही है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस्ट की है, जैसे मैंने एग्रीकल्चर डाला क्योंकि एग्रीकल्चर की पोस्ट की हमने बात की है, 4 साल का कोर्स है। अब यूनिवर्सिटी जैसे मैंने यहाँ पे JNKVV जबलपुर डाल दिया, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आप यहाँ पे पूरा डालने की कोशिश करोगे ना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय तो पूरा नहीं डालेगा, इसलिए शॉर्ट में आपको डालना पड़ेगा JNKVV जबलपुर जो भी है। फिर उसकी जिस डेट में आपने डिग्री की कंप्लीट हुई है, ये डेट आपकी डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई है, वहां से देख के डालना, ठीक है। परसेंटेज जो आपके रहे हैं फर्स्ट क्लास हो रहा है। उसके बाद अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे फिल कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जब यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो अदर का ऑप्शन आएगा, अदर ऑप्शन मतलब यहाँ पे एक प्रोपोप बना हुआ आ जाएगा, जो जिस सब्जेक्ट से आपकी एमएससी है पोस्ट ग्रेजुएशन वो डाल दीजिए, वही ड्यूरेशन, वही यूनिवर्सिटी, वही डेट ऑफ डिग्री आपकी कंप्लीशन, परसेंटेज और सिलेक्ट।
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का क्या मतलब है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि इसके अलावा आपने और कोई डिग्री की हुई हो, ठीक है? मतलब जैसे कोई पीजीडीसीए करता है ना, कोई पीजीडीसीए करता है, इसके अलावा और भी कोई साइड बाय साइड, ठीक है, किसी ने बीएड करके रखा है, किसी ने कुछ करके रखा है, वो आप डाल सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में आप डाल सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जैसे कोई बीएससी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करता है वो है, तो वो डाल दीजिए। एग्रीकल्चर वालों के पास मुझे नहीं लगता किसी के पास ये होगा। अदर्स में आप नेट डाल सकते हो, अगर किसी ने एमएससी कर रखी हो और उसके पास नेट है, जो भी आपके पास है एक्स्ट्रा। मेन तो आपका ये ग्रेजुएशन है, क्योंकि ये पोस्ट जो है ग्रेजुएशन बेसिस की ही है, इसलिए इसको आप करेक्टली फिल करना। बाकी अगर आपके पास एमएससी है तो एमएससी फिल कीजिए, कोई प्रोफेशनल डिग्री आपने ले रखी है तो उसको फिल कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वो कीजिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद कोई डिप्लोमा कर रखा है वो आप डालिए, जैसे पीजीडीसी हम करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो वो आप फिल कीजिए। अदर में आपके पास नेट है या कोई और डिग्री है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है? यहाँ कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, ड्राफ्टिंग स्किल है, तो यहाँ पे येस कर दीजिए, वो नहीं है तो नो कर दीजिए। वैसे तो येस ही कर दीजिए, सबके पास कंप्यूटर आजकल है ही सही, एक सब्जेक्ट आपने डिग्री के साथ पढ़ा हुआ होता है, डीसीए किया हुआ होता है, तो आप उस पर येस कर दीजिए। अगर आपने वहां पे अगर डाला है कि नहीं हमने क्या किया, एक्सपीरियंस लिया हुआ है, हमने कहीं जॉब की हुई है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। मतलब अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हो तो डिटेल भरिए, नहीं कर रहे हो तो नो कर दीजिए। आप प्रेजेंटली वर्किंग नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक। उसके बाद लैंग्वेज नो, इंग्लिश हिंदी जो भी आप है, जैसे कि आपको तमिल भी आती है तो इंग्लिश हिंदी तमिल कर दीजिए, सब पे ओके करके यहाँ पे फिर वैलिडेट योर डिटेल। वैलिडेट करोगे तो आपको ऐसा पॉपअप लिखा हुआ आएगा कि वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके करके नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाओगे तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब ये इंफॉर्मेशन क्या आ गई, ये आ गई प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब आप जो आपने डिटेल भरी है वो सारी डिटेल आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, फोटो पे यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा कि ये आप ही का फोटो है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपने भरी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे फिर आपको मांगेगा एग्री, एग्री कर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी सारा आप देख लीजिए, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, अगर हो गई तो फिर से आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंफर्म कीजिए कि साइन आप ही की है, क्लियर। उसके बाद अपर आगे जाएंगे तो फ्री पॉपअप आएगा, यू श्योर टू कंटिन्यू, भाई आप श्योर है कि भाई सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो भरी है वो करेक्ट है, तो आप क्या जाइए नेक्स्ट पे जाइए। ये अब नेक्स्ट पे यहाँ पे फिर आगे अपना क्या अपलोड वाला ऑप्शन। अपलोड में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं फॉर्म भरा होगा, खुद से भरा होगा या साइबर पे जाके भरा होगा, एमपी ऑनलाइन पे जाके भरा होगा या कहीं पे भी, ठीक है, ऑनलाइन जाके फॉर्म भरा होगा। तो अगर आपके पास थंब इंप्रेशन पहले से रखा हुआ है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके पास रखा हुआ है, तो यहां से आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जैसे आप अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा कि आप देख सकते हो कि आपने जो अपलोड किया वो करेक्टली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड फिर डालना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपके पास फिर ये पॉपअप आएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप चेंज नहीं करना चाहते हो, आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो तो ओके कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट वाला, 1180 लग रहे हैं किसके लिए, ओबीसी जनरल के लिए, और बाकी लोगों के लिए कम है, ठीक है। और वुमन के लिए तो ये फ्री है, शायद कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे आपको ये वेरिफिकेशन सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पे डालेंगे, डालने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, चाहे किसी से पेमेंट कीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से कीजिए, क्यूआर कोड से कीजिए, किसी से भी आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद पूरी डिटेल आपके पास ईमेल आईडी पे आ जाएगी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है, आपका फॉर्म फिल हो गया है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर कहीं पे डिफिकल्टी है आपको डॉक्यूमेंट्स को लेके, किसी भी चीज को लेके, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मेरा डॉक्यूमेंट में नाम चेंज है या और चेंज है तो मैं एग्जाम में किस तरीके से फॉर्म फिल करूंगा, कैसे मैं एग्जाम में बैठ पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ने ये डिफिकल्टीज फेस की हुई है तो मैं जानता हूं इस बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। वहां पे कोई अलाउ नहीं करता है जब डॉक्यूमेंट में और जो हमारा आईडी कार्ड में या फॉर्म में जब नाम में डिफरेंस आता है तब, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। और मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, और मैंने आपको जो बताया है उसको ध्यान में रखना है। कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ये हमारा कोर्स है, उसको आप ले सकते हो, मात्र 399 रुपए का कोर्स है। ऑलमोस्ट हमने 167 पीडीएफ ऑलरेडी अटैच्ड है, 90+ वीडियो लेक्चर्स अटैच्ड है, 17 टेस्ट हमने ऐड कर दिए, और डेली बेसिस पे सारी चीजें ऐड होती रहेगी।
मात्र 399 फर्स्ट 40 स्टूडेंट। अभी इस कोर्स को 10 स्टूडेंट ले चुके हैं, मैंने कोर्स कल रात में लॉन्च किया है, 10 स्टूडेंट ऑलरेडी ले चुके हैं, मतलब अब सिर्फ 40 स्टूडेंट्स बचे हैं। तो जिनको भी चाहिए वो कोर्स यहाँ पे परचेस कर सकते। कोर्स परचेस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारी ऐप की, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जो है स्टोर में जाके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। डाउनलोड क्या करना है, एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस, इस तरीके का मोनो दिखाई देगा, आप वहां से कोर्स को ले सकते हैं। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बच्चों, क्योंकि ना प्री मतलब ना मैथ्स ना रीजनिंग ना इंग्लिश कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ एग्रीकल्चर आने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, 3 से 4 महीने में एग्जाम हो जाएगी, और इतनी लगन से तैयारी कीजिए कि भाई आप ये एग्जाम निकाल लें, क्योंकि आईबीपीएस एफओ में कोई गारंटी नहीं, जस्ट एक गैम्बल है, क्योंकि प्री निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता है। अच्छों का प्री नहीं रह जाता है, क्योंकि प्री का कट ऑफ भी अब बढ़ चुका है, लगभग 40 नंबर 45 नंबर के आसपास कट ऑफ जा रहा है प्री का। तो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश काफी डिफिकल्ट होता है एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 100 पोस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।